तो आज हम और कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको इसमें से काफी सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे सर बाकी के एमसीक्यूज कब आएंगे बाकी के सब्जेक्ट्स के कब आएंगे तो मैं साइमल्टेनियसली दो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी इसके साथ साथ आपको कॉस्टिंग का भी वीडियो साइमल्टेनियसली मिलते रहेगा तो दो सब्जेक्ट्स को पहले कॉन्सेंट्रेट करते फिर अगले दो सब्जेक्ट्स में जाएंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू टू लर्न ऑल्सो एज वेल एज क्लियर द बेसिक्स तो शुरू करते आज के एमसी की नंबर वन वेन वन और मोर कंपनी इज लिक्विडेटेड अगर एक या एक से ज्यादा कंपनी अगर लिक्विडेट होगी बट नो न्यू कंपनी इज फॉर्म तो नई कंपनी फॉर्म नहीं होगी तो उसे क्या बोला जाता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ए कंपनी है और बी कंपनी है ये दोनों कंपनी मिक्स होकर अगर ए बी लिमिटेड बनेगी तो दैट इज कॉल्ड एज मर्जर लेकिन अगर एक कंपनी दूसरे को टेकओवर कर लेगी या एक कंपनी दूसरे का बिजनेस एक्वायर कर लेगी तो उसे क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन तो इसका राइट right आंसर है एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मॉनिटरी आइटम तो इनमें से कौन सा नॉन मॉनिटरी आइटम है कैश इन्वेस्टमेंट स्टॉक तो नन ऑफ द अबव अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो अप्रोच देखो कैसे है नन ऑफ ऑफ द अबव तो इसका आंसर नहीं हो सकता तो ये कट गया कैश की अगर बात करें तो कैश इज अ लिक्विड असेट्स तो कैश भी इसका आंसर नहीं होगा ये भी कट गया इन्वेस्टमेंट से भी हमें पैसे मिल सकते हैं स्टॉक ऐसा असेट है जो हम कब बेचेंगे हमें खुद को पता नहीं इसलिए इसका राइट right आंसर बन जाएगा स्टॉक तो स्टॉक इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम फर्दर द एक्सेस ऑफ नेट असेट्स टेकन ओवर नेट लाइबिलिटीज तो अगर आपके नेट असेट्स जो है वो ज़्यादा है और नेट लाइबिलिटीज कम है तो हम क्या करते हैं एंट्री नंबर थर्ड आपको अगर पता होगा सेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर का जहां पर सारे असेट्स लिए जाते हैं और सारे लाइबिलिटीज ली जाती है और फिर डिफरेंस हम आइडेंटिफाई करते हैं तो अगर क्रेडिट साइड में आपका डिफरेंस आया तो वो कहां पर ट्रांसफर होगा गुडविल कैपिटल रिजर्व इन्वेस्टमेंट रिजर्व या जनरल रिजर्व तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैपिटल रिजर्व ओके नेक्स्ट पॉइंट एल एल पी के ऊपर क्वेश्चन है एल एल पी एक्ट वॉज पास इन द ईयर तो एल एल पी एक्ट कब पास हुआ आई थिंक ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी बीच बीच में आपको आते रहेंगे ताकि आपको जो डेट्स है वो थोड़े रिवाइज हो सके टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड फोर्टीन तो ऑल ऑफ यू नो द आंसर फॉर दिस एल एल पी दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास इन द ईयर टू थाउजेंड एट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जाएंगे द इक्विटी शेयर कैपिटल इज प्रेजेंटेड इन विच हेड इन द बैलेंस शीट तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं दैट इज एज पर शेड्यूल थ्री तो शेड्यूल थ्री के बेसिस पे हम वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहे हैं एज पर कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन दैट इज एज पर शेड्यूल थ्री तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बैलेंस शीट में कौन से हेड में प्रेजेंट होगा लॉन्ग टर्म बोरइंग्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ओन या नन ऑफ द अब तो इसका राइट right आंसर बनेगा ओन फंड ओन फंड शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर ये प्रेजेंट किया जाएगा अगले पॉइंट में जाते हैं द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज सबमिटेड टू तो ध्यान से पढ़ के रखना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के ऊपर क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा इसलिए मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी डाले हैं द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अफेयर्स इज सबमिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ किसे सबमिट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स ऑफ द कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑफिशियल लिक्विडेटर तो ध्यान रखना जो स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स है वो सबमिट किया जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर को ध्यान रखना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सबमिटेड टू ऑफिशियल लिक्विडेटर नेक्स्ट इज ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार फिर से डाला है ताकि आप भूले नहीं द कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिलेटेड विद विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए एस थ्री ए एस इलेवन ए एस थर्टीन ए एस फोर्टीन अगर हम ए एस थ्री की बात करें तो ए एस थ्री किसको रिलेट करता है ए एस थ्री रिलेट करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को एस इलेवन किसको रिलेट करता है फॉरेन करेंसी को ठीक है ए एस थर्टीन किसको रिलेट करता है दैट इज रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग जो आपने सेमिस्टर फाइव में सीखा था और ए एस फोर्टीन किसको रिलेट करता है ए एस फोर्टीन रिलेट करता है आपके अमालगमेशन के पॉइंट्स को तो यहां पे फॉरेन करेंसी पूछा है तो राइट आंसर विल बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट हुग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द ऑफिशियल लिक्विडेटर तो लिक्विडेशन से क्वेश्चन है इनमें से कौन ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको ध्यान रखना है ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग ऑफिशियल लिक्विडेटर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर कॉल्ड एस मेंबर्स ऑफ द कंपनी ओनर्स ऑफ द कंपनी हेड ऑफ़ द कंपनी या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आई थिंक आपने अगर पिछले सेशन ध्यान से सुने होंगे तो मैंने आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में बताया था डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होते हैं और उनको डिन नंबर कंपल्सरी होता है एज वेल एज डीएससी डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये दो चीज़ें जरूरी होती है और कोई भी एल एल पी में कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर जरूरी है और दो में से एक पार्टनर इंडिया का सिटीजन होना चाहिए जो इंडिया में रेसिडेंट बनना चाहिए दैट इज स्टेइंगी टू डेज तो डेजिग्नेटेड पार्टनर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एल एल पी सो इसको ध्यान से पढ़ के रखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन अनमार्क एप्लीकेशन आर ऑल्सो नोन एज तो जो एप्लीकेशन अनमार्क है जिसके ऊपर किसी का भी अंडर राइटर का कोई भी स्टैम्प नहीं है वो अनमार्क एप्लीकेशन होते हैं आप जानते हैं तो अनमार्क एप्लीकेशन को और क्या बोला जाता है डायरेक्ट एप्लीकेशन इनडायरेक्ट एप्लीकेशन रेगुलर एप्लीकेशन और रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन तो इसका सही आंसर है अनमार्क एप्लीकेशन है मतलब जिसका डायरेक्टर जिसका जो अंडर राइटर्स है उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है ऐसे पॉइंट को बोला जाएगा डायरेक्ट एप्लीकेशन ओके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्मलेटेड लॉसेस तो टेड लॉसेस को हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं हम फिक्टिशियस अट्स भी बोलते हैं काल्पनिक अट्स फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है काल्पनिक assets, ऐसे assets जो एक्चुअली नहीं है फिर भी हमने बैलेंस शीट में लिखे है तो इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स है आपके अक्यूमुलेटेड लॉसेस के प्रॉफिट एंड लॉस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या ऑल ऑफ दबाव तो रिमेंबर ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है आपके अक्यूमलेटेड लॉसेस के तो ऑल ऑफ द अबाव विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में जाते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल एल पी इज मैक्सिमम नंबर पूछा है मिनिमम नंबर नहीं पूछा मिनिमम नंबर की अगर बात करें तो मिनिमम कितने लगते हैं दो लगते हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए और मैक्सिमम सेवन लगते हैं फिफ्टी टू हंड्रेड और नो no लिमिट तो रिमेंबर एलएलपी में कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम मेंबर्स के लिए लेकिन मिनिमम मेंबर्स आपको याद रखने हैं दो लगते हैं और मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी कितने लगते हैं दो लगते हैं ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर थर्टीन आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन बना होगा बिकॉज ये मैंने फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट सब में डाला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स तो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि लिस्ट जो भी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की वो ध्यान से पढ़ के रखे इसका मैंने आपको एक चार्ट ही दे दिया है जिसमें सारे पॉइंट्स कवर है तो लिस्ट सी लिस्ट डी लिस्ट बी या लिस्ट जी तो इसका राइट right आंसर है लिस्ट जी आई हेव एडेड ऑल दी पॉइंट लिस्ट ए से लेके लिस्ट एच तक सब कुछ मैंने यहाँ पे एड करके रखा है आप इसी को पढ़ के रखें ताकि इनमें से अगर कोई भी पेपर में आपके क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा फाइन चलो आगे बढ़ते हैं कि असेट्स अंडर एल एल पी आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट तो जो असेट्स होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं जैसे हम अमाल गमेशन के केस में करते थे ओल्ड बुक्स में तो वो कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अब राइट आंसर इज बुक वैल्यू जो भी आपका बुक वैल्यू रहेगा उसी पे हम सारे असेट्स को ट्रांसफर करते हैं मार्केट वैल्यू नहीं लेते क्योंकि ये रीवैल्यूड फिगर्स हम परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन जब करते हैं तब उसमें लेते हैं एंड जब ओल्ड बुक्स को क्लोज किया जाता है तब हम उसमें जो कॉस्ट है जो आपकी बुक वैल्यू है जो आपके बैलेंस शीट की वैल्यू है वही कंसिडर करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वेन अ फर्म अंडर राइटर एग्रीज टू बाय अ डेफिनेट नंबर ऑफ शेयर इन एडिशन टू अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स इट इज कॉल्ड एज वेन एन फर्म अंडर राइटर एग्रीज टू बाय ए डेफिनेट नंबर ऑफ शेयर्स इन एडिशन टू अनसब्सक्राइब मतलब जिस जितने उसने सब्सक्राइब किए उसके साथ साथ वो और कुछ शेयर्स को अगर बाय करता है तो उसे क्या बोला जाएगा ध्यान से याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था एंड दैट इज कॉल्ड एज फर्म अंडर राइटिंग तो उसको क्या बोला जाएगा दिस इज कॉल्ड एज फर्म अंडर राइटिंग तो यही थे आज के फिफ्टीन क्वेश्चन जो हमने पार्ट फोर में डिस्कस किए जल्द ही आपको कॉस्टिंग का भी एम मिलने वाला है तो चैनल के साथ बने रहे और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और अच्छा लगा है तो लाइक करें, एज वेल एज अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर